एक्शन, मतलब एकदम सोच ले बा कि आग लगाई कि दम ले बा, है ना। तो जब आग लगे ले तो लपट भी निकले ले और धुआं भी निकले ला। तो आवाज सबसे पहले जानल जा श्वेता जी से कि कितना लपट रह ले और कितना धुआं रह ला इनके आग में। अमित, जब ये एक्ट शुरू हुआ तो बिगनिंग में या तो आप नर्वस थे, कुछ था कि एक दो बीच यहाँ वहाँ छूट गई और एक दो सिले सिले मिस्टेक्स हुई, लेकिन उसके बाद जो आपने पिकअप किया, उसके बाद जो आप फॉर्म में आए, मोर देन एनीथिंग एल्स मुझे आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने पूरे स्टेज को, पूरी जगह को कवर किया, इट वॉज वेरी नाइस। मेरी तरफ से मुझे ये एक्ट बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस एंड वेरी एनर्जेटिक। और अब हमनी के चलल जाओ संभावना जी के पास। शुरू से लेकर एंड तक हल्फा परफॉर्मेंस, हल्फा मच गया। मुझे ये लड़का पहले से पसंद है, जो पहली बार उसने आइटम किया था तब भी और अब भी उसका जोश अभी भी सलामत है, और वो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कोई तो नीचे आके नाच के गया, वेरी गुड। माइक आशीर्वाद रही तो हम कहीं भी नाच दें। तो माइक का आशीर्वाद तो तोहके मिल गल। हमनी के तनी से जानल चाहता निजा संभावना जी और श्वेता जी से कि अभी तक जितना धुरंधर मंच पे अइले हैं, रउआ लोग के केहू के देख के ऐसा लागल है कि ई धुरंधर हमारे टीम में होके के चाहिए। मुझे अमित को देखकर और अविनाश को देखकर डेफिनेटली लगता है कि दोनों मेरे टीम में होने चाहिए। कैसन लागत है तोरा की बात सुन के? ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा दिनेश भैया कि हम श्वेता जी की टीम से पार्टिसिपेट रहे या लड़े, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। हम बस यही कह सकते हैं, हम जैसा भी होगा, जो जैसा हमने यहाँ परफॉर्म दिखाया उससे दुगनी तिगनी परफॉर्म हम उनके टीम में जाके दिखाएंगे। पहली बात तो अमित, अभी तक पक्का नहीं है तुम किस टीम में जा रहे हो, तो खबरदार पहले से खुश मत हो। पहले हमें मालूम ही नहीं है कि कौन किस टीम में जाएगा, लेकिन जितने पहले परफॉर्मेंस देख चुके हैं उसके हिसाब से मेरे लिए ये सब धुरंधर खिलाड़ी हैं और इसीलिए ये इस मंच पे हैं। तो अभी लेट्स सी कि ये लोग आगे क्या परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे बात करेंगे। फिलहाल तक के लिए अमित ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अविनाश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभिषेक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछला बार रुआ कहले रहनी कि ये मंच पर लड़का लोग पर लड़की लोग भारी पड़ता, इस बार थोड़ा उल्टा हो गया। मुझे बेटर परफॉर्मेंस लड़कों का लगा, मतलब लड़की लोग के मेहनत ज्यादा करे के। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब अपन स्थान ग्रहण करा। धन्यवाद। टीम के लेके झगड़ा धीरे धीरे शुरू हो गई बा। हम बतौले रही कि इस सुंदर चेहरा धीरे धीरे आक्रामक चेहरा बनने लगी, तो अब यही कड़ी के आगे बढ़ावे खातिर के हम बुलावे चलत है दिल्ली से सागर के। सागर बाबू, तोरे नाम में तो बहुत गहराई है, लेकिन आज जौन तू जलवा दिखावे वाला हुआ ओकरा में कितना गहराई है कुछ बताइबा? जितना सागर में गहराई उतना मेरी तैयारी में गहराई। बहुते बढ़िया, जैसन की इनके नाम में गहराई बा उहे गहराई हमनी के देखे के मिली। अगला ही जौन परफॉर्मेंस होके जा रहा बा तो रउआ सबे हो जाए तैयार। सागर के डांस में कितना गहराई रहल है ई जाने खातिर के हमनी के सबसे पहले चलत अनिजा संभावना जी के पास। सागर, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी बातें नहीं करते हुए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लगा। मुझे थोड़ा सा मोमेंट्स लूज लगे, बीच से आप हट रहे हैं वो चीज़ें लगी। बड़ी खुश हो रही थी मैं पीछे पोस्टर देख के, मुझे लगा कि बहुत कुछ कुछ होने वाला है, लेकिन वो सब नहीं दिखा। आई एम रियली सॉरी सागर, आप बहुत अच्छे डांसर हैं लेकिन आज का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा इतना। आज
मुझे ऐसा डांस जैसा कुछ नजर नहीं आया। एक दो बार आपने वो सब ब्रेक मूवमेंट्स किए, उसके बाद क्या, व्हाट वाज देयर? आप खड़े थे, कुछ कर रहे थे? आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड सागर। सागर, जिन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है ना, और जब वो लोग आके स्टेज पे ये सब करते हैं तो ये पोस्टर दिखाकर आप खुश नहीं कर सकते। देखो ये कॉम्पिटिशन है, आपको अच्छा करना है। नेक्स्ट टाइम प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। सागर ने ट्राई किया कि कुछ वेरी स्वीट एंड कूल मोमेंट्स देने के लिए। आई अप्रिशिएट दैट। मे बी इट वेंट फ्लैट, नेवर माइंड, बट उनकी कोशिश बहुत अच्छी थी। थैंक यू। जौन भी फैसला हुई वो हमने के सुने के मिली, कहें कि फैसला की घड़ी बहुत करीब बा, तब तक आप अपन स्थान ग्रहण करी। एक एक करके रहुआ सभे देख चुकल बानी छ गो धुरंधर के जलवा, और अब बस बचल हुए मात्र तीन धुरंधर, जोन आज उनके किस्मत के फैसला हुई कि वो जई हैं बलशाली 12 में या कौन छोड़ के जई हैं, एकर पता चली बहुत जल्दी। रउआ सब देखत रही डांस संग्राम, काहे कि वो हर सपना जोना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम। छह गो धुरंधर अपन जलवा दिखा चुकल हुए, और अब बचल हुए मात्र तीन धुरंधर, और आज ही फैसला हो जाई कि के 12 बलशाली में जाई और के ही मन छोड़ के जाई। त हम अगला धुरंधर के बुलावे जाता नी, जेकरा के यहाँ एगो बहुत बड़ कॉम्प्लीमेंट मिलल है कि उनके चेहरा में झलक आवेले भोजपुरी सिनेमा के महानायक रवि भैया के। आई सभी हमनी जोरदार ताली से स्वागत कइल जाओ पटना के ईशान के। आज चयन के पैमाना बहुत कठिन हो गई बा जी, तोहार तैयारी कैसन बा, तोहरा के का लगता? हमरा तैयारी तो पूरी तरह बा, अब ऐसे उसके बाद अब बड़की माँ का गया। बड़की माई के प्यार जरूर मिली, लेकिन ओकरे पहले तो के यहाँ हल्फा मचावे की पड़ी। मचाई मचा दे बा, हल्फा मचावे खातिर तैयार हुआ? ताई रहुआ सब देखी कि आज ईशान यहाँ कौन हल्फा मचाई है। The way she came into the place I knew I'd been in there, there was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. Bye.
सबसे पहले पूछल जा संभावना जी से कि हल्फा मचल कि ना मचल। हड़कंप, हल्फा, हड़फा, चड़फा सब कुछ मच गया इस स्टेज पे। थैंक यू। इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, एक भी फ्लॉ नहीं दिखा, एक भी इतना सा भी कुछ नहीं छोड़ा उस लड़के ने, इतना बढ़िया परफॉर्म किया, वाकई दिल खुश हो गया। थैंक यू। और अब आई जानल जाओ श्वेता जी से उनका के कैसन लागल। तुमने अब तक स्टेज पर कितने परफॉर्मेंस किए होंगे? 3। जी मैम। ये तीसरा है? जी मैम। और हर परफॉर्मेंस के साथ यू मेक मी फील प्राउड। थैंक यू मैम। तुमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा हर बीट पकड़ा है, और खासकर तुम्हारा मून वॉक मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू मैम। इट वाज वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस, वेरी गुड परफॉर्मेंस, कीप इट अप। थैंक यू। आनंद का मतलब क्या होता है? खुश रहना मैम। तो आपने आनंद हमको दिया है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। इसमें भी और इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं। जी मैम। बट आई कैन से दिस, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ योर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। यू मेक अस प्राउड, यू रियली मेक अस प्राउड। हम आपके नंबर्स के साथ प्लस ए लगा देंगे। जी मैम। यह तुम्हारे मेहनत का फल, और ई मेहनत के तू हमेशा रखिया बरकरार, तब्बे तू हमेशा जीत पैबा हमरे महागुरु और दोनों कप्तान के दिल। हम रखे हम ख्याल अपना परफॉर्मेंस के, अगला परफॉर्मेंस जिससे भी बहुत बढ़िया दूंगा मैं। कोई तो पिटाई भी होगी। जी मैम। पक्की बात है, अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो गई, और जब उम्मीद होती है तो आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जी मैम। अब अपन स्थान ग्रहण कर। जी भैया। अब हम बुलावे चलत हैं अपने 8वां धुरंधर के, जे दुर्गापुर से आई ली और जेकर नाम है गौरी चैत्री। गौरी भी देवी का नाम है और दुर्गा भी देवी का नाम है, तो दुदू को नाम का शक्ति तोरे साथ है बा। जी। लेकिन आज तो के जीते के पड़ी हमनी के ममता मई महागुरु के और दोनों भावी कप्तान के दिल। जी। जीते खातिर तैयार हो? जी जरूर। पूरी तरह? पूरी तरह। तो ऐलान कर दे हल जाओ। हाँ। आई देखल जाओ कि गौरी चैत्री दुर्गापुर से आके कवन धमाल दिखावे वाली है। देवी के नाम का शक्ति, एक तई गौरी खुदे हैं और दूसरे दुर्गापुर से आई हैं, तो आई सभे जानल जाओ सबसे पहले श्वेता जी से कि का दोनों शक्ति की कुछ झलक इनका में दिखाई पड़ल है। तुम्हारे एक्ट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे बड़ा मजा आया यार। आई रियली एंजॉयड योर एक्ट। थैंक यू। बहुत मज़ा आया मुझे, मुझे फ्रेश लग रहा था, फ्रेशनेस थी उसमें, ताजगी लग रही थी, और वो बात मुझे बहुत पसंद आई। आई रियली लव योर एक्ट, वेरी नाइस। और अब हमने के संभावना जी से पूछल चाहल जी कि रुआ के कैसन लागल?
आज गौरी के परफॉर्मेंस ने लड़कियों की लाज बचा ली। मतलब आज बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि क्यों इतना ज्यादा वीक पड़ रही है लड़कियां लड़कों के आगे, लेकिन आज लड़कों को टक्कर दे दी। अभी आनंद जो करके गया उसको टक्कर दी है गौरी ने, ये मानना पड़ेगा लड़कियों के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गुड एक्सप्रेशन, वेरी एनर्जेटिक, सुपर। थैंक यू। और अब बारी बा ममता मई महागुरु से जाने के। वेरी गुड गौरी, योर ग्रेस, योर स्टाइल, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी यू सो मच, यू नो, हैविंग फन इन डांस, इंजॉइंग योर डांस, योर एक्सप्रेशंस वर ब्यूटिफुल। थैंक यू गौरी। तीनों जनी के दिल जीते का पूरा पूरा भरोसा पहले से रहा? भरोसा थोड़ा बहुत था, मैं चाहती थी कि, मैंने इससे पहले मुजरा एक्ट किया था, मैं चाहती थी कि कुछ मैं नया दिखाऊँ जिससे जजेस इम्प्रेस हो, तो शायद मैंने ये दिखा पाई और उन्हें शायद अच्छा लगा। तो हर मेहनत सफल भई ले और अब तू अपन स्थान ग्रहण करा। गांव जवार से आके लड़का कुले मंच पर हड़कम मचावे शुरू कर दिले हुआ, हल्फा मचावे शुरू कर दिले हुआ, तो अब ज्यादा देर ना बा, फैसला के घड़ी बहुत करीब बा, काहे कि बस एक ही धुरंधर और बाचल बा, जेकर जलवा देखे के बा तो हमनी के उनकर जलवा देखल जी। रउआ सब देखत रही डांस संग्राम, काहे कि वो हर सपना जो ना में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है। आठ गो धुरंधर लोग के जलवा रउआ सब देख ले बानी और अब मात्र एगो धुरंधर बाचल बा, तो बिना देर कैले हमनी के जल्दी से बुला लेहल जाओ वो अपना आखिरी आज के धुरंधर के, जेकर नाम है प्रदीप मिश्रा। एक बात तो तोहू के अंदाजा लग गई होई कि ई मुकाबला कितना कठिन और कितना कांटेदार हो गल है, एकर झलक तू देखला है, तो का लगा था तोहरा के पूरा तैयारी में हवा? यहाँ अभी सब कोई जे भी परफॉर्मेंस देके गेल बा उमें बाकी दम तो बा, लेकिन एपिसोड अभी बाकी बा हमार दोस्त। ई कहल चाहत हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो आवत देखल जाओ कि जोन पिक्चर बाकी है ओकरा में कौन जलवा देखे के मिली। आ जा याद दिया दलत एकदम गांव के, कबो खेली कबो बकरी चराई, तो सही सही बताइया बकरी चरौले हुआ कि ना? हाँ चरौले बानी, बकरी चरौले हुआ ना एकदम, जो गहले बानी वो दिखावे के भी पड़ला, देखनी है पता ना जल। ठीक बात, तू तो दिखा दे ले बाड़ा, लेकिन अब हमनी के सीधा चला तानी जा श्वेता जी के पास कि इजोन अपना गाँव के वर्णन कैले हैं, गाँव के लोगन के बारे में, गाँव के मिट्टी के बारे में आपके कैसन लागल है? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसको, इस एक्ट को देखकर गांव की याद आ गई। इट वॉज वेरी क्लोज टू गांव, गांव का जो स्पिरिट होता है, जो पागलपन होता है, जो एनर्जी होती है, वो सारा मुझे यहाँ दिखाई दिया। एट टाइम्स अब बीच में कहीं फास्ट हो गए थे, लेकिन मैं उसे टॉलरेट, उसे नज़रअंदाज कर देना चाहती हूँ, इग्नोर कर देना चाहती हूँ। आपके इस एक्ट को देखकर वाकई अच्छा। दूसरा, मैं आपके एक्ट को देखते ही मुझे भोजपुरी फिल्म के जो एक्टर्स होते हैं ना, जो हीरोज होते हैं ना, वो भी इसी एनर्जी के साथ नाचते हैं, बिल्कुल, क्या सही? सो आई थिंक आई लाइक इट, गुड। अब हमनी के संभावना जी से पूछल जाए कि बर्फी से नीक लागे गौआ का भेली, आपका क्या ख्याल है? प्रदीप, अगर आपका इंडिविजुअल एक्ट देखा जाए, आपका एक्ट अच्छा था, आपने परफॉर्म अच्छा किया, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे थे, सब कुछ, अगर अच्छा अच्छे की बात करें तो सब कुछ अच्छा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन आज यहाँ पे जो बाकियों के परफॉर्मेंस रहे हैं, अब हमें उससे भी कंपेयर करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो यह एक्ट थोड़ा पीछे था, वरना ओवरऑल अगर आपकी बात करूँ तो आपका एक्ट अच्छा था। धन्यवाद मैम। तो श्वेता जी और संभावना जी के विचार सुन ले हला, लेकिन ही तभी टेलर रल है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। आव तनी जानल जाओ ममता मई महागुरु के का ख्याल बा? आपने बहुत अच्छा गांव का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और
एनर्जी लेवल भी गांव वालों की ही थी, जैसा कि श्वेता जी ने कहा। इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छे डांसर हो। धन्यवाद मैम। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अपने घर पे, मैं अपनी बहन के साथ जब भी डांस करता हूँ तो मेरे बड़े भैया बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आज मैं भैया से बोलना चाहता हूँ कि आज तो सरोज जी ने मेरे को बोला है कि मैं अच्छा डांस करता हूँ, आज तो आपको मानना पड़ेगा भैया कि मैं अच्छा डांस करता हूँ। तो हर भैया अभिमान नहीं है और पूरा दुनिया मान जाए कि तू अच्छा डांस करेला, काहे कि ममता मई महागुरु अगर मान लेनी तो बात के तू मान ला कि आज मोहर लग गई कि तू सांचो में अच्छा डांस करेला। धन्यवाद मैम। जैसन कि हम बतौले रही कि आज फैसला के घड़ी है, आज चुनल जई है 12 बलशाली और यही धुरंधरन में से केहू के मौका मिली ओह 12 बलशाली में जाए के, ता हमरे ममता मई महागुरु के पास सबके जलवा का जोन आंकड़ा बाटे उ लिखल जा चुकल बाटे। ता हम चाहब कि अपना सब धुरंधर लोग के यहाँ बुलाई ताकि वो लोग के फैसला सुनावल जाए। हमनी के सगरी योद्धा यहाँ आ चुकल हमें और जैसन की रउआ सब जानतानी कि आज के फैसला बहुते महत्वपूर्ण फैसला है। यही धुरंधर लोग में से कुछ लोग के मौका मिली 12 बलशाली में पहुंचे के, तो ई महत्वपूर्ण फैसला सुनावे के हिम्मत हमरा में नहीं खे। हम विनती कैल चाहतानी ममता मई बड़की माई से कि आज अपन फैसला आप खुद सुना दें। फैसला सुनाने से पहले प्लीज रोना नहीं, हिम्मत रखना और स्माइलिंगली जजमेंट को ले लेना, ओके? मेरे हिसाब से टॉप 3 अविनाश कम फॉरवर्ड, आनंद कम फॉरवर्ड, अमित कम फॉरवर्ड, गिव देम अ बिग हैंड। जोरदार ताली। अब आप लोग ये सुनिए कि हम लोगों ने, हम तीनों ने मिलके एक फैसला किया है कि हम 4 लोगों को फिर से अपने आप को दिखाने का मौका देंगे। वो चारों का नाम है अभिषेक कम फॉरवर्ड, सागर कम फॉरवर्ड, गौरी कम फॉरवर्ड एंड प्रदीप। आप चारों को हम दोबारा मौका दे रहे हैं अपने आप को पेश करने का, इससे बेटर डांसिंग करने का, एंड दैट इज योर लास्ट चांस, ओके? आप चारों बैठ जाइए। दोनों लड़कियां रोएंगी नहीं और हंसकर ये फैसला सुनेंगे और आइंदा एक दिल में ठान लेंगे कि हम वापस आकर दिखाएंगे कि हम अच्छे डांसर्स हैं। किरण एंड गौरी पांडे, यू ऑल बोथ विल गो होम। आप घर जाएंगे, आइंदा आप लोग ये स्टेज पे नहीं आएंगे जब तक नेक्स्ट सीजन ना हो, ओके? बाय। ममता मई महागुरु के फैसला आ चुकल बा, जोना के हिसाब से 3 धुरंधर डायरेक्ट पहुंच चुकल हूँ 12 बलशाली में और आज ममता मई एगो महान फैसला और ले ली है। जोना खातिर के जोरदार ताली बजा के स्वागत कर जाओ कि ये 4 लोगन के एक मौका और दिहल गई है कि वो अपने आप के साबित करें। अब रह गई बात बाकी बचल 2 धुरंधर के, जेके आज ई मन छोड़ के जाए के पड़ी, कहे कि रीत हो जे कमजोर पड़ी ओके ही मन छोड़ के जाही के पड़ी, काहे कि ई महासंग्राम है और ई महासंग्राम में ओकरे खातिर कोनो जगह नहीं खे जे कमजोर पड़ी। अगर आप लोग के कुछ कहे के बा, कुछ पूछे के बा तो पूछ सके नी। हमसे गलती भइल और हम अच्छा यहाँ नाच ना कर पेनी,
हेलियम जादवानी, और हम अगले सीजन में अगर आई तो पूरी तैयारी करके आई कि गुरुजी से सीटी तो जरूर लेके जाई इंशाल्लाह। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं उदास नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहली बात ये है कि मुझे इतना बड़ा मंच मिला, आप लोगों का ये समझ लीजिए आशीर्वाद मिला। मैंने आप लोगों को देखा, महसूस किया, समझा। मैं ये समझती हूँ कि मैंने जो यहाँ पे परफॉर्म किया, हाँ गलती थी, अगर गलती नहीं होती तो ऐसा जजमेंट कभी नहीं होता। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था कि गलती थी, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और थोड़ा मतलब मैं बेसिकली मानती हूँ गलती थी। पहले से मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, गलती थी, बट इसके बाद भी मैं खुश हूँ आप लोगों से मिली। और सबसे बड़ी बात कि मैं मास्टर जी से मिली, मास्टर जी को देखा, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली। रउआ सबे करी इंतजार, हम एक बार फिर से लेके आई डांस का घमासान, जोने का नाम है नेस्ले एवरीडे डांस संग्राम का है कि वो हर सपना जोने में बसेला प्राण, वो हर सपना जोन भरेला उड़ान, वो हर सपना जोन होखेला चट्टान, ओकर आखिरी मंजिल है डांस संग्राम।